Hello, friends. Good morning. Welcome to Amaram classes. Today, we shall learn how to make negative sentences in English. So, I have taken five sentences. Today, we are going to translate these sentences into English. और फर्स्ट सेंटेंस इज मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकता हूं सो बिफोर ट्रांसलेटिंग ऑल दी सेंटेंसेज मी टेल यू द फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है हम लोगों का सब्जेक्ट उसके बाद कांट कांट क्या है कैनॉट का शॉर्ट फॉर्म है कांट उसके बाद क्या होगा वार्ब का फाला रूप। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो तो ऐसे वाला सेंटेंस को इस फॉर्मुला से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा सब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज द सब्जेक्ट तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकता हूं तो मैं हो गया मैं के इंग्लिश क्या होता आई उसके बाद क्या लगाना है आपको कांट लगाना है आई कांट उसके बाद क्या लगाना है आपको वार्व मेन वार्व वार्व क्या है सीखना सीखना मीन्स लर्न होता है तो क्या हो जाए आई कांट लर्न क्या अंग्रेजी अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश तो आपका आंसर हो गया आई कांट लर्न इंग्लिश मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकता हूं आई कांट लर्न इंग्लिश दूसरा नंबर वह हिंदी नहीं बोल सकता है वह हिंदी नहीं बोल सकता है चलिए इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है फर्स्ट ऑफ़ यू हैव टू फाइंड द सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट यहां पर है वह वह ही उसके बाद क्या लगेगा ही कांट उसके बाद क्या लगेगा वार्ब क्या नहीं कर सकता बोल नहीं सकता बोलना का मीनिंग क्या होता स्पीक e होता ही क्या ऑब्जेक्ट क्या क्या नहीं बोल सकता हिंदी नहीं बोल सकता तो हिंदी हो जाएगी ही कांट स्पीक हिंदी तो हम लोग का ट्रांसलेशन हो गया वह हिंदी नहीं बोल सकता ही कांट स्पीक हिंदी वह हिंदी नहीं बोल सकता ही कांट स्पीक हिंदी थर्ड नंबर ट्रांसलेशन मैं तुम्हें भूल नहीं सकता मैं तुम्हें भूल नहीं सकता इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, मैं का मीनिंग हो गया आई आई के बाद क्या लगेगा कांट उसके बाद क्या लगने वाला है उसके बाद भार्व लगना लगेगा भार्व क्या है भूलना भूलना के इंग्लिश क्या होता है फॉरगेट एफ ओ आर जी ई टी आई कांट फॉरगेट ऑब्जेक्ट क्या है मैं भूल नहीं सकता किसको नहीं भूल सकता तुम है तुम्हें मीन्स यू तब हो गया मैं तुम्हें भूल नहीं सकता आई कांट यू आई कांट यू क्वेश्चन नंबर फोर तुम इस सवाल को हल नहीं कर सकते तुम इस सवाल को हल नहीं कर सकते इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया यू तुम तुम का इंग्लिश हो गया यू उसके बाद क्या लगेगा कांठ लगेगा उसके बाद क्या लगेगा वार्व लगेगा वार्व क्या हल करना हल करना मीन्स सोल्व एस ओ एल भी इस सवाल इस सवाल मीन्स दिस सम या दिस प्रॉब्लम दिस सम कांड सोल्व दिस सम क्वेश्चन नंबर फाइव राकेश कार नहीं चला सकता राकेश कार नहीं चला सकता इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया राकेश 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 उसके बाद क्या होगा कांट उसके बाद क्या होगा वार्व वार्व क्या है ड्राइव कार चलाना मीन्स ड्राइव उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट क्या चला सकता क्या नहीं चला सकता कार तो क्या हो गया राकेश कार नहीं चला सकता राकेश कान ड्राइव कार